Good day, all of you. I'm Reena Mahajan, and you're watching me on English Oasis. And the good news is that आज से हम एक new series start कर रहे हैं 200 rules of English grammar. And we will do it in parts. Today, 200 rules को parts में करेंगे, 5 or 10 at a time. आप लोग please subscribe to the channel. Video को बिल्कुल end तक देखिएगा. Please, क्योंकि YouTube सिर्फ उन्हीं videos को promote करता है जिन्हें लोग end तक देखते हैं. So please motivate me by subscribing to the channel, sharing the video with all your friends ताकि बहुत सारे लोग इसका benefit उठा सकें. ये subjective जो होते हैं और he, she, it, they, you, I, we ये सब who लेंगे अपने साथ. इनके साथ हम who use करेंगे as a relative pronoun. और whom किसके साथ यूज़ करेंगे? him, her, it, them, you, me, us, इन सब के साथ हम whom यूज़ करेंगे, right? One thing more I just want to clarify here is कि either के साथ हमेशा और जाता है, neither के साथ हमेशा nor यूज़ होता है, not only के साथ but also यूज़ होता है सभी sentences में. So कई बार क्या होता है errors में ऐसे होता है कि not only लगा दिया और last में sentence के second clause में but also नहीं लगाया है और खाली but लगाया है, तो हम उसी error को catch कर लेंगे उसी time पे. Hardly के साथ हमेशा when लगेगा, scarcely के साथ हमेशा when लगेगा. So these were the first three rules. Let's continue with rule number 4 now. Rule number 4 conditional sentences के लिए use होता है. Conditional sentences होते हैं if वाले sentences. अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर वैसा होता तो ऐसा हो जाता, right? So wherever if वाले sentences होते हैं या conditional sentences होते हैं, so we will use these rules there. If plus simple past अगर होता है तो सेकेंड क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ ही हैड अ कार, अगर इफ के साथ परफेक्ट टेंस होता है पास्ट परफेक्ट, तो वुड हैव आता है. लेट मी गिव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस. इफ ही वेंट देयर, ही वुड बी अवॉर्डेड. अगर वो वहाँ गया तो उसको अवार्ड मिलेगा, राइट? अब पास्ट टेंस तब यूज होता है जब वो वाली कंडीशन अनफुलफिल रह गई है. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो वहाँ गया होता तो उसे अवार्ड मिल गया होता. इफ ही हैड गॉन देयर, राइट? इफ ही हैड गॉन देयर, सबसे पहली बात, इफ ही वेंट देयर, सब पहला सेंटेंस देखते हैं. इफ ही वेंट देयर, ही वुड बी अवार्डेड. If he went there, he would be awarded, right? अभी आप देखेंगे इस सेंटेंस में कि हमने if he went there सिंपल past tense लगाया if के साथ, तो would के साथ verb की second form आई, he would be awarded, right? Would plus second form of verb. अभी देखिए, अगर मान लीजिए कि वो event हो चुका और अगर वो वहाँ गया होता तो उसे award मिल गया होता, तो if he had gone there, he would have got the award. अभी ध्यान से देखिए, past perfect had gone is being used here in the first clause. पहले वाले clause में had gone यानी past perfect, तो दूसरे वाले clause में क्या लगेगा? Would have gone, would have got, that is would have plus verb की third form. So this these two rules are very clear to you from this example. एक और example देखते हैं. If he had had a car, अगर उसके पास एक car होती, he would have gifted it to her, तो उसने उसे gift कर दिया होता, right? If he had a car, he would gift it to her. यहाँ पे had के साथ third form of verb थी, तो यहाँ पे हमने would have और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की, राइट? पास्ट परफेक्ट एंड हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. लेकिन अगर यहाँ पे इफ ही हैड अ कार, अगर उसके पास एक कार होती, यहाँ पे पास्ट टेंस यूज हो रहा है, तो ही वुड गिफ्ट इट टू हर. इज दैट वेरी क्लियर? कम टू रूल नंबर 5 नाउ. रूल नंबर 5 कहता है वन ऑफ द and only one of the
एज अ रिलेटिव प्रोनाउन जब भी यूज होते हैं तो वन ऑफ द के साथ प्लूरल वर्ब जाएगा और ओनली वन के साथ सिंगुलर वर्ब जाएगा. वन ऑफ द हमने जहाँ पे भी यूज़ किया प्लूरल वर्ब, ओनली वन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब. इट इज वेरी क्लियर. यहाँ देखिए फॉर एन एग्जाम्पल, शी इज़ वन ऑफ द मदर्स हु आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड. वन ऑफ द मदर्स, वो बहुत सारी मदर्स में से एक है जो सच में बहुत अच्छा हार्ड वर्क कर रही हैं. एंड हियर आर प्लूरल वर्ब इज यूज्ड. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस इज ओनली वन ऑफ द नॉवल्स विच आर इंटरेस्टिंग. तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि वन ऑफ द के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब जाता है. तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉट वुड बी करेक्ट इज, दिस इज ओनली वन ऑफ द नॉवल्स विच इज इंटरेस्टिंग. इज दिस वेरी क्लियर. नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दिस के वन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब जाएगा, ओनली वन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब जाएगा. इज दिस वेरी क्लियर. दिस इज अबाउट वन ऑफ द एंड ओनली वन. दिस इज वेरी क्लियर. कम टू रूल नंबर 6 नाउ. या फॉर रूल नंबर 6, अगर हम नंबर के साथ कोई यूनिट होती है और फिर नाउन या एडजेक्टिव होता है, यानी फॉर एग्जांपल देखते हैं, ही सॉ अ 10-inch स्नेक. अब नंबर क्या है यहाँ पे, 10-inch, 10-inch का स्नेक, तो उसने देखा. सो द यूनिट इज सिंगुलर हियर, राइट. ही सॉ अ 10-inch स्नेक. यूनिट सिंगुलर क्यों है, क्योंकि नंबर के साथ यूनिट और नाउन या एडजेक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट सी वन मोर एग्जाम्पल, 5 handfuls शुगर वॉज रिक्वायर्ड टू मेक टी. तो यहाँ पे handfuls गलत है, handful इज द करेक्ट वर्ड. 5 जब भी नंबर के साथ यूनिट आएगी और नाउन आएगा तो फिर सिंगुलर जाएगा हमारा वर्ब, राइट. सो 5 handful शुगर वॉज रिक्वायर्ड टू मेक टी. अब अगर ये handfuls होता, अगर सेंटेंस हमारा रहता 5 handful शुगर - रिक्वायर्ड, तो फिर handfuls अगर होता तो वर लगता हमारा, राइट. फॉर एग्जाम्पल नाउ सी, ही गेव मी 2 5-rupee नोट्स. तो 2 इज द नंबर, फिर यूनिट क्या है हमारी, 500 rupees नोट्स, राइट. और फिर नोट्स आ गया हमारा एडजेक्टिव. तो यहाँ पे ही गेव मी 2 500 rupee नोट्स इज द करेक्ट वर्ब, राइट. सो नाउ नंबर प्लस यूनिट जब भी सफिशिएंट होंगे, जब भी वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, नंबर और यूनिट जब भी हमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देंगे, एम्पल इन्फॉर्मेशन होगी, तो प्लूरल आएगा हमारा वर्ब. और अगर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो सिंगुलर वर्ब आएगा. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको. ही हैड 5 dozen. अब ये तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्या उसके पास 5 dozen है, राइट. ये सेंटेंस ठीक है पर ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा कि उसके पास 5 dozen क्या चीज़ है, राइट. इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगा इसके साथ, 5 dozen, राइट. नाउ इफ द सेंटेंस इज आई हैव 5 rupees, तो ये सेंटेंस भी ठीक है. क्यों, क्योंकि ये हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कितने रुपए हैं उसके पास, इसलिए ये प्लूरल यूनिट यूज होगी, राइट. वन मोर थिंग टू नोट हियर इन दिस इज कि यूनिट्स आर ऑलवेज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. यूनिट को हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, यानी कि सबसे छोटी यूनिट पहले, फिर बड़ी यूनिट, फिर सबसे बड़ी यूनिट, राइट. फॉर एग्जांपल, इफ इट इज लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स टुक द टेस्ट, लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स टुक द टेस्ट, ठीक है. तो ये गलत होगा, 1000 छोटी यूनिट है ना, तो 1000 पहले आएगा, सो इट शुड बी थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स. अभी ये ऐसे भी हो सकता था, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर. तो जब भी हम ये यूनिट्स को यूज़ करेंगे,
जब भी हम यूनिट्स को यूज़ करेंगे हमेशा क्या होगा, छोटी यूनिट पहले, उसके बाद बड़ी, उससे बाद उससे भी बड़ी, राइट? नाउ टीचर्स हमेशा टेस्ट लेते हैं, इसलिए गिव गेव लगेगा, और स्टूडेंट्स हमेशा टेस्ट देते हैं, इसलिए टेक टुक लगेगा. इज़ दैट वेरी क्लियर? कम टू रूल नंबर 7 नाउ. रूल नंबर 7 हमें ये बोलता है कि अगर अमाउंट, स्पीड, वेट, हाइट और डिस्टेंस, इफ़ यू यूज़ ऑल दीज थिंग्स इन वन पर्टिकुलर थिंग और इन वन वे, देन कंसिडर इट एज सिंगुलर. जब भी हम इन सबको एक पर्टिकुलर थिंग, एक पर्टिकुलर चीज़ मान के चलते हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगा. अगर हम इनको सब अलग अलग वेज में बात करते हैं इनके बारे में तो प्लूरल आएगा. फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो अमाउंट मतलब मनी है ना, 20,000 रुपये या कुछ, स्पीड या वेट या हाइट या डिस्टेंस, ठीक है, 10 miles. हम एग्जाम्पल लेते हैं, 10 miles needs to be covered completely on foot. अब हमने इसको सिर्फ एक चीज़ की तरह माना कि ऑन फुट हमने पैदल ही 10 mile की जर्नी तय करनी है, ठीक है, तो नीड्स आएगा, विच इज़ अ सिंगुलर वर्ब. हमेशा सिंगुलर के साथ क्या नीड्स लगेगा ना, ही नीड्स, दे नीड, प्लूरल हो गया. तो यहाँ सिंगुलर नीड्स वर्ब इसलिए लगा है क्योंकि इट इज़ 10 miles ऑन फुट, ठीक है. हमने इसको एक एज अ सिंगुलर यूनिट ट्रीट किया. अब हम इसको टू वेज में अगर करते हैं तो इसको प्लूरल यूनिट की तरह हम ट्रीट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, 10 miles नीड टू बी कवर्ड पार्टली बाय कार एंड रेस्ट ऑन फुट. मतलब बाय कार कुछ रास्ता हम कार से तय करेंगे और कुछ रास्ता हम पैदल चल के तय करेंगे. तो जब भी हमने उसको डिवाइड कर लिया दो चीज़ों में तो अब हम यहाँ पे जो वर्ब है वो भी प्लूरल लेंगे, ठीक है. सो 10 miles नीड टू बी कवर्ड पार्टली. क्यों आप ये समझ रहे हैं कि प्लूरल और सिंगुलर क्यों मैं इसको बोल रही हूँ? बिकॉज ही, शी, इट के साथ क्या लगता है, या फिर सिंगुलर उसके वर्ब के साथ क्या लगता है, ही नीड्स, राइट? तो सिंगुलर हो गया और हम उसको एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे यहाँ. और दे और ज़्यादा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाते हैं हम, नीड. दे नीड टू गो देयर, दे नीड टू डू दिस वर्क. सो हेयर 10 miles नीड टू बी कवर्ड, क्योंकि वो उसको हम दो जगह पे बाय कार और या बाय फुट इस तरह से कवर कर रहे हैं. लेकिन अगर 10 miles नीड हो, कब नीड्स कब आएगा, जब हम उसको एज अ सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं, हम पैदल जा रहे हैं या हम सिर्फ कार पे जा रहे हैं, तो इट नीड्स टू बी कवर्ड, राइट. 5,000 rupees वर स्पेंट ऑन फूड एंड क्लॉथ्स. तो अब फूड और क्लॉथ्स दो चीज़ों पे हम स्पेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल रहेगा, वर. इज नॉट वेरी क्लियर? कम टू रूल नंबर 8 नाउ. रूल नंबर 8 सेज व्हेनेवर वी कंपेयर टू थिंग्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन ऑल मेटल्स. नहीं, रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि गोल्ड इज़ मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल बोलेंगे हम उसको, कि और किसी भी मेटल से गोल्ड ज़्यादा प्रेशियस है. तो इट इज़ मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल, देन ऑल मेटल्स नहीं आएगा, ठीक है. डायमंड इज मोर प्रेशियस देन ऑल मेटल्स. क्यों? क्योंकि डायमंड तो नॉन मेटल है, तो ये करेक्ट होगा. कालिदास इज मोर फेमस देन all English poets, right? So Kalidas is not English writer. Kalidas तो हिंदी writer थे, तो हम उनको compare कर रहे हैं अगर all English poets के साथ, तो हम लिख सकते हैं Kalidas is more famous than all English poets, right? और अगर Kalidas, okay, let me explain this with one more sentence. अगर हम इसको Kalidas is more famous than any other Hindi poets, ठीक है. तो ऐसे आता कि कालिदास इज मोर फेमस दैन एनी अदर हिंदी पोएट्स, राइट. तो किसी भी हिंदी पोएट्स से ज़्यादा कालिदास फेमस हैं. Is this very clear now? So now come to rule number 9. Rule number 9 is about since and for. आप बहुत सारे papers में बहुत सारी mistakes
इस रूल की वजह से होती हैं, दैट इज सिंस या फॉर। सिंस कहाँ लगाते हैं और फॉर कहाँ लगाते हैं, इसके ऊपर मैंने एक बिल्कुल अलग सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। दैट इज़ रिगार्डिंग कहाँ पे हम जो टेंसेस का वीडियो है उसमें ही मैंने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सेंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है। प्लीज़ आप टेंसेस का वीडियो ज़रूर देखिए, उससे ये परफेक्टली आपको क्लियर हो जाएगा। स्टिल मैं यहाँ एज अ रूल इसको क्लियर कर रही हूँ कि सेंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है। प्लीज़ ध्यान से सुनिए, द सेंटेंस बिफोर यूजिंग सेंस फॉर शुड बी इन परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट? सेंटेंस आफ्टर यूजिंग सेंस फॉर शुड बी इन सिंपल पास्ट, यानी कि जब भी हम सेंस और फॉर के साथ ज्वाइन करें, पहली बात तो याद ध्यान से ये समझिए कि सेंस और फॉर ज़्यादातर कहाँ लगता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है? सेंस और फॉर लगता है, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल इज आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours और सिंस 4 PM, राइट? आप समझ रहे हैं इसको, सिंस और फॉर की डिस्टिंक्शन को समझाने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर ये होता कि मैं आपकी वेट कर रही हूँ 2 घंटे से, सो सेंस इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, वेयर एज फॉर इज यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान से इसको समझिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंस कहाँ यूज होता है, फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी 2 PM, 1992, 15 अगस्त 1972, एक पॉइंट ऑफ टाइम है सारे, ठीक है? और या फिर 5 PM सिंस लगेगा इनके साथ। फॉर इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, इतना लंबा समय, ठीक है? मैं 4 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, फॉर 4 hours, ठीक है? सो फॉर कहाँ लगेगा, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ फॉर 6 hours, फॉर 20 minutes, for 10 years, for 8 months, कुछ भी जो भी पीरियड ऑफ टाइम होगा उसमें फॉर लगेगा, और सेंस कहाँ लगेगा, फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज द वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में दूसरा रूल हम ध्यान से समझते हैं, दो क्लॉजेज होते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया। फॉर सेंस के साथ जब भी पहले फर्स्ट क्लॉज हम इसको बोलते हैं और सेकंड क्लॉज हम इसको बोलेंगे, ठीक है? फॉर और सेंस के बाद। अब ध्यान से इस वाले रूल को समझिए, द सेंटेंस बिफोर यूजिंग सेंस ऑफ फॉर शुड बी इन परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे हम इसका एग्जांपल देखते हैं, इफ ही हैड गॉन देयर, परफेक्ट टेंस, राइट? तो ही वुड हैव गॉट द अवार्ड। अगेन हम इसको देखते हैं, आई हैव बीन वेटिंग, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग, अगेन परफेक्ट टेंस, ठीक है? और तो दूसरे वाले टेंस में क्या आएगा, सिंपल पास्ट, फॉर 2 hours, राइट? एग्जाम्पल यहाँ से देखते हैं, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस द टाइम आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। मैं उसकी वेट कर रहा था कब से, उस समय से जब से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। सो नाउ दिस रूल सेज कि जब पहला वाला क्लॉज में या तो परफेक्ट टेंस होगा या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, यहाँ क्या है, हैड बीन वेटिंग क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट? तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अगर सेंस से पहले वाले सेंटेंस में है तो बाद वाले सेंटेंस में क्या आएगा, सिंपल पास्ट, राइट? सिंपल पास्ट, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम कब से, सिंस द टाइम आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, जब से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। सो सिंपल पास्ट इज हियर, इज दिस वेरी क्लियर टू यू? अभी ध्यान से देखिए, सिंस इज फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ स्टार्ट, और ड्यूरेशन के लिए हम फॉर यूज करते हैं, राइट? सो दिस इज रूल नंबर 9। कम टू रूल नंबर 10 नाउ, इज दिस क्लियरली विजिबल? यस इट इज हियर। कम टू रूल नंबर 10, जब भी दो
काम हो रहे होते हैं, वेन एवर टू एक्शंस आर अकरिंग इन द पास्ट. इस रूल को पहले ध्यान से समझ लीजिए. जब भी दो काम हो रहे हैं साथ साथ, जो काम पहले फिनिश होगा, मान लीजिए कि एग्जाम्पल देखते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन when I reached the station. ठीक है, अभी आप ध्यान से देखिए, दो काम हो रहे हैं. द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन पहले चली गई जब मैं स्टेशन पे पहुंचा. यहाँ पे एक काम जो पहले हो के ख़त्म हो गया वो है ट्रेन चली गई, ट्रेन लेफ्ट. ठीक है, दूसरा काम जो अभी भी हुआ उसके बाद में हुआ ख़त्म, वो है कि आई रीच्ड द स्टेशन. तो जो काम पहले फिनिश हुआ उसमें हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दी, दैट इज़ द परफेक्ट टेंस. जो काम पहले ख़त्म होगा, दो काम हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, जो काम पहले ख़त्म होगा उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी, जो काम बाद में ख़त्म होगा उसमें सिर्फ पास्ट टेंस लगेगा. इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है. और बहुत सारे रूल्स आपके, बहुत सारी मिस्टेक्स आपकी पेपर की सिर्फ इस रूल की वजह से होती हैं. सो नाउ नाउ कम हियर एंड सी व्हाट आई हैव रिटन हियर. व्हेन टू एक्शंस अकर इन पास्ट, द एक्शन अर्लियर, अर्लियर मतलब दैट द एक्शन दैट फिनिशेस अर्लियर, जो पहले ख़त्म हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगा दीजिए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जो काम बाद में ख़त्म हुआ, द एक्शन दैट फिनिश्ड लेटर, उसमें सिंपल पास्ट टेंस लगा दीजिए, वर्ब के सेकंड फॉर्म. ठीक है, और डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म भी वही है पास्ट टेंस, राइट. यहाँ पे पास्ट परफेक्ट और यहाँ पे पास्ट टेंस, जो काम बाद में ख़त्म हुआ. लेट्स सी एन एग्जांपल, ही हैड फिनिश्ड द वर्क आफ्टर ही हैड मेट हिम. तो ये रॉन्ग होगा. यहाँ पे क्या आएगा, ही, उसने काम फिनिश कर लिया था जब उसको मिला. तो ही हैड फिनिश्ड द वर्क व्हेन ही After he met him. तो जो काम पहले हुआ क्या हुआ, वो पहले मिला, इसलिए यहाँ पे had plus third form, और यहाँ पे had नहीं होगा, सिर्फ past tense आएगा इसमें. यहाँ पे he finished the work after he had met him. ठीक है, तो पहले जब वो उसको मिला उसके बाद वो उसने काम शुरू काम को ख़त्म किया. तो पहले क्या हुआ, पहले वो मिला, had plus third form, और फिर क्या हुआ, काम बाद में ख़त्म हुआ, इसलिए ओनली पास्ट टेंस वुड बी हियर. दिस रूल इज़ वेरी क्लियर. होप दीज 10 रूल्स वर वेरी क्लियर टू यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट 10 रूल्स. और ऐसे 10-10 करके हम बहुत सारे रूल्स और इंग्लिश के बहुत अच्छे से सीख जाएंगे. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझसे बात ही मत करिए, बिकॉज इतने सारे वीडियोस मैं डालती रहती हूँ एंड आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग एल्स दैन ओनली सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि ये वीडियोस ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और सभी इसका फ़ायदा उठा सकें, राइट. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टिल देन बाय.